ये शिक्षा सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग में उपस्थित सभी ट्रेनीज और मुख्यतः इस वर्कशॉप में एज ए ट्रेनर हमारे संचालक महोदय श्री विश्वेश्वर बाबू और समन्वयक महोदय अलवार साहब, ललन बाबू हमारे सहनी प्राथमिक विद्यालय के बहुत ही विद्वान शिक्षक, शकील बाबू वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक सहनी प्राथमिक विद्यालय के, प्रखंड अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र बाबू और सभी उपस्थित शिक्षक, खास तौर से अरविंद बाबू जो सामने बैठे हुए हैं और काफ़ी जानकार पेपर नोइंग शिक्षक हैं, और हमारे शिक्षिकागण जो एक ट्रेनी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ ई शिक्षा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आए हैं और ट्रेनिंग तो अभी नहीं हुई है। ट्रेनिंग से पहले जिन लोगों ने भी कहा है, बोला है, प्रकाश डाला है, वो ई शिक्षा सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होगी, इसका काम क्या होगा, इस पे प्रकाश डाला है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन समझे हैं कि ये क्या चीज़ है। जब हमें ट्रेनिंग मिलेगी तो मुझे भी काफ़ी इच्छा है, उत्सुकता है कि ये ट्रेनिंग को पहले तो समझें कि ये क्या चीज़ है जिसकी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आए हैं। और करीब करीब एक सप्ताह 10 दिन पहले हमें ये सूचना दी गई थी ग्रुप के माध्यम से कि 27 तारीख को यहाँ ट्रेनिंग होगी। तो अभी सर ट्रेनिंग देंगे जो ट्रेनर के रूप में भी उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ राव, लेकिन जो जानकारी हमारे बीच आई है, इन लोगों ने भी प्रकाश डाला है, उससे हम ये बात समझे हैं और जो समझे हैं उसके उपलक्ष्य में मैं अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे सदन के बीच से कहा गया कि तनवीर साहब भी कुछ बोलें और सर ने भी थोड़ा उस पर जोर डाला, तो मैं आपके समक्ष, वरना मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि आपके सामने आकर के कुछ बोलूँ, मैं भी आप ही की तरह एक ट्रेनी हूँ, लेकिन मुझे आपने इस योग्य समझा है तो मैं आपके सामने आके कुछ इस पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, विद्यालय ललन बाबू ने कहा कि एक वक्त था कि 10 से 4 विद्यालय चला करता था, लेकिन काफ़ी समय हो गए जो 9 से 4 अब चल रहा है, और हमारा माइंडसेट अब तैयार हो गया है कि 9 से 4 विद्यालय में रहना, और हम लोग रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। जब कभी भी जो सरकार का आदेश होता है कि जनगणना में जाना है या इलेक्शन में जाना है, ये सारे काम को भी हम लोग बीच बीच में बजा लाते हैं, और विद्यालय के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लोग भली भांति सारे शिक्षक भाग लेते रहते हैं। लेकिन सरकार के जो ये शिक्षा विभाग है, जिसके डायरेक्टर, नए डायरेक्टर साहब जो आए हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। जो भी पॉजिटिव चीज़ आएगी उसका हम लोग एक अच्छे शिक्षक के रूप में उसका स्वागत करेंगे, और उस पर पूरी तरह से जहाँ तक संभव होगा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर ने भी कहा था, ललन बाबू के लालू जी एक बार बोले थे कि नौकर हो, नौकर के तरह रहो, तो हम लोग नौकर हैं सही में, और नौकर के तरह रहेंगे। कभी भी हम चाहेंगे मालिक हो जाएँ वो हो नहीं सकते हैं। तो है क्या, विडम्बना यह है
कि सरकार की ही कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं। मैं हमदा जी से आग्रह करूंगा के बीच में थोड़ा आप बात न करें तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें मुझे, जो मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो सरकार की पॉलिसीज ही ऐसी रहती है, सच पूछिए तो सरकार खुद पढ़ाने देना नहीं चाहती है। सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं दिया जाता है और वहाँ शिक्षक सिर्फ शिक्षक होते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षक प्लस वो गैर शिक्षक भी होते हैं। हम लोगों से बेहतर नहीं है वो। मैं डीएवी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाया करता था, हम लोग भाई प्रशांत कुमार और मैं, तो सारे परेशान रहते थे क्योंकि वो नंबर ज्यादा देते हैं और हम लोग यही कहते थे कि क्यों दिए ये नंबर, आखिर आप क्यों दिए जाए, आप मुझे बताइए स्टेप कैलकुलेशन करके कि किस स्टेप का नंबर दिए, परेशान रहते। हमारे राजेंद्र बाबू हमारे सबसे सीनियर मोस्ट शिक्षक इस प्रखंड के हैं और वीडियो की हैसियत रखते हैं, और इनका यहाँ आना, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए जो है सौभाग्य की बात है कि सर भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सर ने जैसा कहा कि ये सही बात है कि क्वालिटी टीचर्स, एजुकेटेड टीचर्स, खासकर आप देखिए तो जितने भी शिक्षक हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, सारे के सारे ट्रेंड हैं। आज के डेट में तो सरकार जो भी अनट्रेंड थे सबको ट्रेनिंग करा ली, सब ट्रेंड हैं, लेकिन आज के भी डेट में प्राइवेट स्कूलों में सबके सब ट्रेंड नहीं होते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेटर्स दोनों जो है इस हमारे सरकारी विद्यालय में हैं, लेकिन गवर्नमेंट की खुद पॉलिसीज ऐसी होती है जिसके कारण सरकारी विद्यालय में पढ़ाई में बहुत ही बाधा होता है। शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, अचानक से लेटर निकलता है कि आपको ब्लॉक में जा कर के 10 दिन ये काम करना है, आपको जिला में जा कर के ये ईवीएम का ये सीलिंग करना है। मुझे खुद महीना महीना दो दो महीना कई सालों से लगाया गया और कई बार जो है ब्लॉक में भी लगाया जाता है। यहाँ हाई स्कूल में पोस्टेड हैं, डिप्टेशन में हैं, और जहाँ पे मात्र 4 ही शिक्षक हैं उसमें भी एक शिक्षक जो है प्रमोशन होकर अनवार साहब चले गए, अब 3 शिक्षक हैं डिप्टेशन में। और इसमें इतना काम है कि इस गर्मी छुट्टी में भी आप पूछ लीजिए यहाँ के जो प्रधान अध्यापक महोदय से, इन्होंने हम लोगों को जो भी जब भी आदेश किया, इस गर्मी छुट्टी में भी अपने घर का बहुत इम्पोर्टेंट काम सब था, नाम नहीं लूँगा, उन सब काम को मैं बालाए ताक रख दिया और यहाँ आकर के उस काम को कर रहा हूँ। और इन्होंने जो डेडलाइन दिया वो भी कोशिश है कि उससे पहले उस काम को कर लेना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की ही ये अंग है डायरेक्टर साहब, जो हमारे शिक्षा विभाग के सबसे श्रेष्ठतम पद पे हैं, और इनका ही ये अगर इन्होंने इस चीज़ को निकाला है तो मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ। जी मैं स्वागत करता हूँ, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में ऐसा 10 और ऐप लॉन्च करे और हम लोगों को और सशक्त बनाए, और हमारे अंदर अगर कुछ कमियाँ हैं तो हम अपनी कमियों को दूर करें। कमी हमारे अंदर है जो हम 9 बजे नहीं आते हैं, कमी हमारे अंदर है जो हम 4 बजे से पहले चले जाते हैं, लेकिन मैं इस तरह के बोलने वाला टीचर में से जी, जब मुझे मौका दिए हैं तो बर्दाश्त कीजिए भाई, मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूँ, चूँकि मैं 9 से 4 ही आता हूँ और 9 से 4 ही जाता हूँ। तो
जो लोग नहीं आते हैं वो अपने व्यवस्था को सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। एक मिनट सर, ये जो नहीं आते हैं हम आते हैं, यही टिकट के लिए हम पहले बोले थे सारे लोग सब एक दूसरे की कमी को भुलाइए, एक दूसरे की कमी को कहीं ना कहीं आपस में मिल बांट के उसको दूर कीजिए, शिकवा शिकायत बंद कीजिए। नहीं तो जो चाहता है अब इतना दिन जो सोच रहा था वो कर ले, बात इतना ही है। इसलिए ये टीका टिप्पणी हम ऐसे बहुत सुंदर है, हम ये कहने लगे आज हम बहुत सुंदर हैं और ये कहने लगे हम बहुत ये है, ये भी नहीं होना चाहिए। हम सब एक समान न कोई सुंदर है, हम सब इस पद पे हैं, सब हम घर में दायित्व है। इसलिए सर हम ये आग्रह करेंगे सबसे, पहले भी हम बोले हैं कोऑर्डिनेशन की बात, हमने कोऑर्डिनेशन का पहल भी शुरू किया, मैं इसका ये भी दायित्व भी लिया कि मैं कोऑर्डिनेशन का दायित्व भी लेता हूँ। अगर मुझसे बोलने में नहीं सर नहीं गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। कहना यह है कि जो हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे एक मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सीख लिया धन्यवाद ये धन्यवाद, मुझे आपने कुछ मौका दिया, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बड़ा सुंदर अल्फाज ने यूज के लिया। अब हम आते हैं तो पहले एक कहानी कहते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब और हवा का झोंका आ रहा था, जितनी भी मछलियाँ थी ऊपर में फेंक दी, वहाँ एक बच्चा जो है एक मछली उठाता था और फेंक देता था नदी। संयोगवश एक बूढ़ा उस रूख से गुजर रहे थे, बच्चा के माथा पर हाथ दिया, कहा कि बाबू इतना मछली जो है तुम फेंक माने हवा का झोंका फेंकता है और एक उठा करके तुम उसमें डालते हो तो क्या इसका मछली माने बच जाएगा। कहा कि बूढ़ा से यह मेरा काम है और बचेगा या नहीं बचेगा या पूरी मछलियाँ वो ऊपर वाला का कहने का तात्पर्य यह है हमको भाई हम लोगों को जो काम मिला है करना है, वो काम करना है और बाकी तो ऊपर वाला पर छोड़ सर वैसले जतिन सर बोवा सर ई आमर तो मैडम को लगा एकदम को लगा और वो वहाँ के बाद हम भागते हैं अपने सानी टोल के लिए। हाँ मैडम को वहाँ ड्रॉप